नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 71,000 ऑटो रिक्शा चालकों के खातों में जमा हुई सहायता राशि। नवी कक्षा में प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को मिलेंगे 100 में से 50 अंक। शहरों में पुराने वृक्ष का संरक्षण करेंगी सरकार। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। 71,000 ऑटो रिक्शा चालकों के खातों में जमा हुई सहायता राशि। 2,65,000 ने अब तक ऑनलाइन आवेदन किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लॉकडाउन लागू करते समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 7,15,000 परमिट धारी ऑटो रिक्शा चालकों को 1,500 रुपए आर्थिक सहायता घोषित की थी। इसके तहत 71,000 रिक्शा चालकों के बैंक खातों में सहायता राशि जमा करवा दी गई है। तो वही दूसरी और नौवीं कक्षा में प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को मिलेंगे 100 में से 50 अंक। राज्य में 10वीं बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया तय। राज्य सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में मूल्यांकन और मार्किंग को लेकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट कर इस बारे में सूचना दी है। उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र SSC रिजल्ट के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित कर ली गई है। बोर्ड व सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छात्र को कक्षा 9वीं व 10वीं में उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। कुल 100 अंकों का मूल्यांकन होगा। इसमें से 50 अंक कक्षा 9वीं के प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे, जबकि शेष 50 अंक में से 30 अंक 10वीं में साल भर होने वाले आंतरिक मूल्यांकन और शेष 20 अंक प्रैक्टिकल, होमवर्क और असाइनमेंट के लिए होंगे। तो वही तीसरे और शहरों में पुराने वृक्ष का संरक्षण करेंगी सरकार। हेरिटेज ट्री योजना को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष व उससे अधिक पुराने वृक्ष को हेरिटेज ट्री संबोधित किया जाएगा। इस तरह के पेड़ों के संरक्षण एवं संवर्धन का निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हेरिटेज ट्री संकल्पना एवं उनके संरक्षण की उपाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम में सुधार किया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।